पहली झमाझम बारिश हुई और चार घंटे में 49 मिलीमीटर तक पानी बरसा है। जून महीने में कुल 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं भिंड में भी तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते शहर तर बतर हो गया है। पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। दो घंटे हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर ग्वालियर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल दी। दावे जो किए जा रहे थे वो पानी पानी हो गए। शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब पड़ा है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में बारिश हो रही है और बारिश के चलते आप देखें तो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि जो तापमान का पारा 40-42 डिग्री के आसपास चल रहा था वो करीब 6 डिग्री गिरकर 35-36 डिग्री के आसपास आ गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है भीषण गर्मी से इस बारिश के चलते, लेकिन इस बरसात ने ग्वालियर नगर निगम के इंतजामों को भी पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से, इसके अलावा बड़े नाले नालियों की सफाई ना होने की वजह से पहली जो बारिश हुई है मानसून की, उस बारिश का पानी जो है सड़कों पर लबालब भर गया है। आप देख सकते हैं कि नालियों का जो गंदा पानी है वो भी इसके साथ जो है लोगों के घरों में, निचली बस्तियों में भरने लगा था। और इसके अलावा जो सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम ना होने के चलते सड़कों में थोड़ी सी बारिश के बाद जो है पानी आ जाता है, तो लोगों को परेशानियां जरूर हो रही है। स्वाभाविक है। और सुशील, चूंकि अब निगम के दावों के भी यहाँ पर पोल खुल रही है, दावे तो ये किए जा रहे थे कि सब ओके है, बारिश में कोई समस्या नहीं होगी, फिर ये जलभराव कैसे?